गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम डिम्पल पारिक रॉयल इंटरनेशनल स्कूल से। बेटा, आपके स्कूल के अंदर आप क्लास ही क्लास सभी क्लासों की बुक और नोटबुक आ चुकी है। जिसके पास में बुक नहीं है वो स्कूल में आके और अपनी बुक खरीद लें। आज हम जो लेसन है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। इतने दिनों से स्कूल में बुक नहीं थी, इसके कारण से मैंने इतने दिनों से आपको व्याकरण ही पढ़ा रही थी। आज मैं आपको लेसन पढ़ाना स्टार्ट कर रही हूँ। आज हम पढ़ेंगे क्लास सेवन्थ का फर्स्ट लेसन, जिसका नाम है थोड़ी धरती पाऊँ। एक बहुत ही प्यारी कविता है। उस कविता को पढ़ने से पहले हम जो हैं उसके जो कवि हैं उन कवि के बारे में जानकारी लेंगे कि वो कवि कौन है जिन्होंने ये रचना लिखी है। बेटा, वैसे मैंने सामने आपको सब कुछ इसके बारे में लिख रखा है। जो इसके कवि हैं जिनका नाम है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ओके बेटा, क्या नाम है उनका? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, जो कि बहुत एक महान कवि के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत हुए हैं। पेज नंबर निकालिए आप बेटा। आपकी कविता तो स्टार्टिंग के अंदर है, लेकिन इनका जीवन परिचय जो दे रखा है ना, वे दे रखा है आपकी पेज नंबर 14 पे, यानी कि पेज नंबर 14 पे इनका जीवन परिचय दे रखा है। उनके जीवन परिचय और इस पाठ परिचय के बारे में थोड़ी सी हम जानकारी ले लेते हैं पढ़ने से पहले। सबसे पहले रचनाकार जिन्होंने ये रचनाएं लिखी हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। सर्वेश्वर दयाल का जो जन्म है वह उत्तर प्रदेश के बस्सी जिले में, कौन से जिले में बेटा? बस्ती जिले के अंदर हुआ था। कब हुआ था? 15 सितंबर सन 1927 को। कब हुआ था बेटा? 15 अगस्त 1927 को इनका जन्म हुआ था। ये आधुनिक साहित्य के महत्वपूर्ण कवियों में से एक माने जाते हैं। कि ये क्या है कि आधुनिक साहित्य के जो महत्वपूर्ण कवि थे, यानी कि बहुत जो प्रमुख कवि थे, सर्वश्रेष्ठ जो कवि थे, उन कवियों में से इनका नाम बहुत अधिक अग्रसर है। यानी कि इन कवियों के अंदर ये बहुत अग्रसर रहे, अग्रसर यानी कि आगे रहे हैं। कौन से साहित्य के अंदर? आधुनिक साहित्य के महत्वपूर्ण कवियों में इनका नाम सर्वश्रेष्ठ रहा है। साथ ही साथ इनके बारे में चर्चा करते हैं, ये आकाशवाणी के सहायक निर्माता, आकाशवाणी के सहायक निर्माता अर्थात आकाशवाणी है ना, जिसके अंदर कि हम आकाशवाणी में गाने वगैरह और जो हमें जानकारी रेडियो के अंदर जो आती है ना आकाशवाणी, उनसे संबंधित बात है चल रही है यहाँ पे, कि वे आकाशवाणी के निर्माता रहे हैं, यानी कि उसका निर्माण करने वाले हैं। दिनमान के उप संपादक रहे हैं। दिनमान जो एक बहुत वो है प्रसिद्ध रचनाएं वगैरह, उन निर्माण के उप संपादक रहे हैं, तथा पराग के भी संपादक रहे हैं। जो पराग है उस पराग के भी क्या रहे हैं? ये संपादक रहे हैं। ये है इनके जीवन के बारे में। साथ ही साथ इनके हम रचनाओं के बारे में बात करते हैं, तो दिनमान यानी कि दिनमान में जो चर्चे और चरखे, दिनमान में जो चर्चे और चरखे स्तंभ में छपे लेख जो हैं वह इनके बड़े ही लोकप्रिय रहे हैं। एक इनके लेख छपा था जिसका नाम था चर्चे और चरखे। क्या नाम था बेटा? चर्चे और चरखे इसका नाम था। इसके कारण इनको बहुत अधिक प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। साथ ही साथ इनके और भी इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं। यहाँ पे कुछ रचनाओं के बारे में बताया गया है, जिनमें है खूंटियों पर टके लोग। एक रचना थी इनकी जिसका नाम था खूंटियों पर टके लोग, के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ, जो कि हिंदी साहित्य के लिए बहुत महान पुरस्कार माना जाता है। इस रचना के लिए, कौन सी रचना के लिए? खूंटियों पर टके लोग के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार क्यों प्राप्त हुआ था। साथ ही साथ इनकी जो रचनाएँ हैं, ये ऐसे कवि रहे हैं, ऐसे रचनाकार रहे हैं जिन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी, और इनकी रचनाएं इतनी आकर्षित, इतनी मोहित करने वाली थी, इतनी अच्छी रचनाएं थी, जिसके कारण से कि इनके रचनाओं का अनेकों भाषाओं में इनका अनुवाद हुआ है। क्लियर बेटा? अनुवाद हुआ है, यानी कि अनेकों भाषाओं ने इनकी रचनाओं को अपनी भाषा के अंदर लिखा है। समझ में आ गया? तो ये महान और सर्वश्रेष्ठ लेखाकार, रचनाकार इत्यादि रहे हैं। आप इन्होंने
जो है कहानियाँ लिखी है। और क्या क्या लिखी है इन्होंने, देखिए बेटा, इन्होंने कहानियाँ लिखी है, इन्होंने नाटक लिखे हैं, बाल साहित्य के क्षेत्र में इन्होंने बहुत अधिक प्रसिद्धि प्राप्त करी है। बाल साहित्य किसे कहते हैं, बालकों के लिए जो इतिहास लिखा जाए, बाल साहित्य यानी बच्चों से संबंधित जो कहानियाँ हैं, कविताएँ हैं, ये बहुत सारी इन्होंने लिखी है, कहानियाँ लिखी हैं, नाटक भी लिखे हैं। बाल साहित्य के क्षेत्र में इन्होंने बहुत अधिक प्रसिद्धि प्राप्त करी है। और जो एक रचनाकार के अंदर जो सारी खूबियाँ होनी चाहिए, वह सारी खूबियाँ हमारे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के अंदर हमें देखने को मिलते हैं, अर्थात ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। बहुमुखी प्रतिभा के धनी किसे कहते हैं बेटा, बहुमुखी प्रतिभा का मतलब होता है जिसमें बहुत सारी खूबियाँ हो, बहुत सारी प्रतिभाओं का जिसमें समावेश हो, उसे बहुमुखी प्रतिभा वाला कहते हैं। तो ये सर्वेश्वर दयाल जो सक्सेना थे, वह बहुमुखी प्रतिभा वाले व्यक्ति थे। और लास्ट में इनकी जो मृत्यु है, वह 24 सितंबर 1983 में इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, यानी कि 24 अगस्त 1983 में इनकी मृत्यु हो गई थी, यानी कि ये समाप्त हो गए थे। तो बेटा, आज अपन ने इनकी रचनाओं के बारे में पढ़ा, इनके जीवन के बारे में पढ़ा कि ये कैसे व्यक्ति रहे हैं और इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं, ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। अब अपन पढ़ लेते हैं इस पाठ में हमें क्या बताया गया है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जो हैं, इस कविता के माध्यम में, इसके द्वारा हमें क्या समझाना चाह रहे हैं। देखिए, इसके अंदर सबसे पहली जो हमें प्रेरणा दी जा रही है, वे प्रेरणा दी जा रही है हमें प्रकृति से प्रेम करना चाहिए। प्रकृति यानी कि जो हमारे चारों तरफ फैली हुई है, पेड़ पौधे, पर्वत, पहाड़, जो कुछ भी है, ये सारी जो हमारे आसपास में फैली हुई है, वे क्या है, हमारी प्रकृति है। तो हमें प्रकृति का क्या करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, पेड़ पौधे लगाने चाहिए। पेड़ पौधे लगाने की इसमें प्रेरणा दी गई है कि अगर प्रकृति नहीं होगी, पेड़ पौधे नहीं होंगे, तो हमारा जीवन क्या हो जाएगा, बड़ा ही दुश्वार हो जाएगा। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए, इस कविता में ये प्रेरणा दी गई है। साथ ही साथ वृक्षों के प्रति संवेदना यानी कि प्यार, स्नेह, ममता इत्यादि हमारे मन के अंदर भाव होने चाहिए, उनकी रक्षा करनी चाहिए तथा उन्हें अपने परिवार की तरह समझना चाहिए। देखिए बेटा, जैसे परिवार होता है ना, हमारी फैमिली होती है, उस फैमिली में क्या होता है, हम प्रत्येक सदस्य का ध्यान रखते हैं, प्रत्येक व्यक्ति का ध्यान रखते हैं, रखते नहीं रखते बेटा, सबका ध्यान रखते हो ना। आपके घर में चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे बड़े सा बड़ा हो, हम सभी की उतनी ही केयर करते हैं, बहुत केयर करते हैं। तो जो पेड़ पौधे हैं, क्यों हम हमारे परिवार के सदस्यों की क्यों केयर करते हैं, क्योंकि वो हमारे सदस्य हैं, उनसे हमारा ब्लड का रिलेशन है और वह हम उनसे हमें बहुत कुछ मिलता है, बहुत कुछ हम उनसे प्राप्त करते हैं। आप सोचिए, जिनसे हमारा रिलेशन है, हम उनकी इतनी केयर करते हैं, तो जिन चीज़ों से हमें बहुत कुछ प्राप्त होता है, जिनके द्वारा हमारा जीवन चलता है, उनसे हमें कितना प्रेम करना चाहिए ना। हमें हमारे जीवन का जो आधार है, जीवन जो हमारे जीवन के लिए, जो हमें जीवन चलाने के लिए जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है, वह सारी आवश्यकताएं हमारी ये प्रकृति, हमारे पेड़ पौधे, जंगल इत्यादि हमारी वो सारी आवश्यकताएं पूरी करते हैं। तो सोचिए, हमें उनका कितना सम्मान करना चाहिए। तो यहाँ पे कहने का अभिप्राय है कि वृक्षों को हमें क्या करना चाहिए, हमारे परिवार का सदस्य ही मानना चाहिए। और जिस तरह से हम हमारे परिवार के सदस्य की केयर करते हैं, उसी तरह से हमें पेड़ पौधों की भी क्या करनी चाहिए, केयर करनी चाहिए। वृक्षों को काटना नहीं चाहिए और इसके जो परिणाम होंगे, यानी कि जो हम वृक्ष काटते हैं, इसके जो परिणाम क्या हो सकते हैं, उस परिणामों के बारे में भी कवि ने इस लेसन में हमें बताया है। हमने बेटा हरा भरा पेड़ काट दिया तो क्या होगा, जिस पेड़ से हमें फल मिल रहे हैं, फूल मिल रहे हैं, औषधि मिल रही है, इतनी सारी चीज़ें मिल रही है, आपने उस पेड़ को सिर्फ अपने थोड़े से स्वार्थ के लिए उस पेड़ को काट दिया, तो उसका परिणाम क्या होगा। धीरे 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 आप पेड़ काटते जाएंगे तो धीरे धीरे हमारे इस यहाँ से पेड़ समाप्त होते जाएंगे तो क्या नहीं होगी, बारिश नहीं होगी, और बारिश नहीं होगी तो क्या होगा, अकाल पड़ेगा, फसल नहीं होगी तो हमें खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। तो कहने का अभिप्राय है कि हमें क्या करना है, पेड़ों को काटने से होने वाले दुष्परिणाम हैं, उन दुष्परिणामों को रोकने की कोशिश करनी चाहिए। अर्थात कहने का अभिप्राय है कि इस लेसन में बताया गया है कि पेड़ों को काटने से क्या क्या
दुष्परिणाम होते हैं उसके बारे में बताया गया है। ये सारी चीज़ें इस लेसन के अंदर, इस कविता के अंदर हमें बताई गई है, जिसका नाम है थोड़ी धरती पांव। लेकिन बेटा आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। हमने उनके लेखक का जो है, रचनाकार का है, वह जीवन परिचय पढ़ लिया। इस लेसन में हम क्या पढ़ने वाले हैं वो सारी चीज़ें पढ़ ली, अर्थात पाठ परिचय पढ़ लिया। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। होमवर्क की तरह चलते हैं बेटा अपन। होमवर्क में हमें क्या करना है? यस, सबको पता है मैम, हमें सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा देती हूँ बेटा। आपको क्या करना है, नोटबुक के अंदर सबसे पहले हेडिंग डालनी है। आपको हेडिंग डाल देंगे, लेसन नंबर फर्स्ट, लेसन का नाम लिखेंगे, थोड़ी धरती पांव कंप्लीट लिखेंगे। उसके बाद में आप इस लेखक का नाम लिखेंगे। लेखक का नाम क्या है? सर्वेश्वर दया सक्सेना। उसके बाद में आप इनका पूरा जीवन परिचय लिखेंगे। क्लियर बेटा? आपकी नोटबुक में दे रखा है पेज नंबर 14 पे। इसके अलावा मैंने भी यहाँ पे, अगर आपने ध्यान से अगर वीडियो मेरा देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा उनका जीवन परिचय, कि उन्होंने क्या क्या कार्य किए, कब उनका जन्म हुआ, कब उनकी मृत्यु हुई, कौन कौन सी रचनाएं हैं, जन्म कहाँ हुआ। ये सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में अच्छी तरह से समझा दी है। तो उनका आपको जीवन परिचय कंप्लीट करना है। साथ ही साथ आपको क्या करना है, इस पाठ के अंदर पाठ परिचय, यानी कि पाठ के अंदर क्या बताया गया है। जो अभी मैंने 4-5 टॉपिक बताया ना आपको, प्रकृति से प्रेम करना, पेड़ पौधे लगाना, पेड़ों को काटने से होने वाले नुकसानों के बारे में बताना, ये सारी चीज़ें हमें इस पाठ परिचय में कंप्लीट करनी है। तो आपको लेसन का, यानी कि रचनाकार का जीवन परिचय और पाठ परिचय दोनों आपको कंप्लीट करने हैं। और बेटा जहाँ तक हो सके, आप अगर आपको मिल जाता है सहूलियत से, आपको सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की अगर फ़ोटो मिल जाती है नेट पे, तो आप उसकी फ़ोटो निकाल के फ़ोटो लगा लीजिए। नहीं तो आप अपनी खुद की पेंटिंग से, अपने खुद के द्वारा उनका एक चित्र बना के, और वो चित्र भी आप बना के कर सकते हैं। जैसे भी आपको सहूलियत हो वो आप कर लीजिएगा। ओके बेटा, कल फिर मिलते हैं, इस कविता के बारे में कल जानकारी लेंगे। ओके, गुड डे, गुड बाय।